हेलो एवरी वन ऑफ क्लास टेंथ इट्स अ नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन इसमें टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री देखा है आपको एक ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट right एंगल है बी पर अब टेन ए इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री देखा है और वन अपॉन रूट थ्री हम जानते हैं टेन थर्टी की वैल्यू होती है तो टेन ए इक्वल टू टेन थर्टी टेन से टेंट कैंसिल हुआ ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री आ गया आप बिना थर्ड साइड निकाले इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन तब कर सकते हैं जब जो वैल्यू दी गई है Z टेन ए इक्वल टू वन अपॉइन रूट थ्री देखिए तो वो टेन में कितने डिग्री की वैल्यू है आपको पता होगा अगर इस टाइप की वैल्यू दी है तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब एंगल ए निकल गया एंगल बी नाइन्टी डिग्री है तो ABC ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी वन एटी होगा थर्टी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री प्लस सी इक्वल टू वन एटी ये वन ट्वेंटी हो गया एंगल सी निकल गया यहाँ से कैलकुलेट करके सिक्सटी डिग्री अब जो वैल्यू आपको निकालनी है शाइन ए कॉश सी प्लस कॉश ए शाइन सी शाइन ए ए मीन्स थर्टी डिग्री कॉश सी सी मीन्स सिक्सटी डिग्री कॉस ए थर्टी डिग्री साइन सी सिक्सटी डिग्री साइन थर्टी वन पॉइंट टू होता है कॉस सिक्सटी भी वन पॉइंट टू होता है प्लस है बीच में कॉस थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी डिग्री भी रूट थ्री बाई टू ये वन अपॉइंट फोर हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आया टू टू जब फोर हो गया थ्री प्लस वन फोर फोर अपॉइंट फोर इक्वल टू वन इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अब जो दसवां क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का उसमें देखिए पी क्यू आर एक राइट एंगल तो ट्राइंगल दे रखा है क्यू पर एंगल क्यू इज नाइन्टी डिग्री और पी क्यू प्लस क्यू आर सॉरी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव रखा है पी क्यू इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपका क्या बनेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू रख दी फाइव प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होगा ये क्यू आर स्क्वायर राइट साइड में ले आइए अब ये क्या बनेगा छुलटा करके लिख दिया मैंने पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पी आर प्लस क्यू आर पीआर माइनस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर के बदले ट्वेंटी फाइव यहाँ ऊपर से प्लांट कर दो इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन हो गया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए ऐड करेंगे क्यू आर से क्यू आर कट गया टू पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स हो गया पी आर इज इक्वल टू हो गया ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू दैट इज थर्टीन इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख दीजिए पी आर की तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव था थर्टीन प्लस क्यू आर आ गया क्यू आर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन क्यू आर इक्वल टू ट्वेल्व अब निकालना साइन पी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखिए शाइन पी पी के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ क्यू आर हाइपोटेन्यूज कौन हुआ पी आर क्यू आर अपॉन पी आर ट्वेल्व अपॉन थर्टीन अभी कॉश पी पी वाले एंगल के लिए कॉश बेस अपॉन हाइपोटेनि पी क्यू अपॉन पी आर पी क्यू अपॉन पी आर रख दीजिए वैल्यू फाइव अपॉन थर्टीन टेन पी प्रपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू ट्वेल्व अपॉन फाइव इस तरीके से ही क्वेश्चन बनाया जाता है